तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे जो कई महीनों से लगातार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और नए सिलेबस पर आधारित हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। यदि आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम कल या परसों है, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में जो पिछले मंथ क्वेश्चन पूछे गए थे वही इस बार भी रिपीट हो जाएं। तो आपको वीडियो को इसलिए एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से हेल्प मिल सके। और हाँ, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा लेबर ऑफिस के क्वेश्चन आते हैं। अगर लेबर ऑफिस के लिए आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इन सब की मैंने PDF भी तैयार कर ली है, PDF फाइल भी। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम मैंने चैनल बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे तो आप लोगों के लिए मैंने बना लिए, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं मैं PDF डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के टेस्ट पे आते हैं, यानी कि आज के क्वेश्चन पे। नंबर एक है, QR कोड किस कंपनी द्वारा बनाया गया। नंबर एक माइक्रोसॉफ्ट, बी नंबर एप्पल, सी नंबर देसोवेब और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। QR कोड, अब QR कोड आपने देखा होगा लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होगा, जब आप कुछ स्कैन करते हैं जैसे वेब व्हाट्सअप होता है तो वहां पर आपको ऐसे ऐसे कुछ देखने को मिलता है, वही होता है QR कोड। तो किस कंपनी ने इसे बनाया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम है बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, देसोवेब एक कंपनी है जिसने QR कोड को डेवलप किया यानी कि बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप के द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो भीम ऐप शायद बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे, तो जो इसमें अधिकतम, ठीक है, एक दिन में अधिकतम अमाउंट कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ए नंबर है 50,000, बी नंबर है 2,000, सी नंबर है 500 और डी नंबर है 40,000। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, 40,000, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, POS का पूर्ण रूप क्या होता है। ए नंबर पोस्ट ऑन सेल्स, बी नंबर पोस्ट ऑफ सीरीज, सी नंबर पॉइंट ऑफ सेल और डी नंबर पॉइंट ऑन सिक्योर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से NFT को कौन मैनेज करता है। ए नंबर है SBI, बी नंबर है BOB, सी नंबर है RBI और जो डी नंबर है वो है BOI। तो NFT, RTGS, ठीक है, इनके बारे में शायद आप लोगों को मालूम ही होगा, मैंने कई वीडियो में बताया भी है। तो इन सबको कौन मैनेज करता है, NFT को कौन मैनेज करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्वीट में अधिकतम कितने करेक्टर हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नंबर एक है 150, बी नंबर है 25, सी नंबर है 140 और डी नंबर है 75। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 140, ठीक है, क्या हो जाएगा 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो भी देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में पूरी हेल्प मिल सके, क्योंकि हो सकता है सारे क्वेश्चन जो एंड में आपको देखने को मिले वही एग्ज़ाम में आ जाएं, तो आप मिस मत करिएगा वीडियो को। नंबर एक, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउज़र लॉन्च किया गया। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, और नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर एक है क्रोम, बी नंबर है ओपेरा मिनी, सी नंबर इंटरनेट एक्सप्लोरर और डी नंबर है एपिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, एपिक, ठीक है, इंडिया के लिए सबसे पहला वेब ब्राउजर
सॉरी जुलाई में 2010 में इंडिया के लिए जो ब्राउज़र लॉन्च किया गया था वो था एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDN किस प्रकार का नेटवर्क है? तो नंबर एक है साधारण स्विचिंग, बी नंबर है हाफ डुप्लेक्स और सी नंबर है फुल डुप्लेक्स, डी नंबर सर्किट स्विचिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ISDN, इससे 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ISDN से देखने को मिलेगा। आप कहीं लिख लीजिए, आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आप मुझे बताइएगा, ISDN से क्वेश्चन आएगा 100% श्योर है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अंडरलाइन टैग कौन सा है? ये क्वेश्चन HTML का है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर यू टैग। ठीक है, यू टैग से आप किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये लिखा है CCC, ठीक है, अब आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं, यानी अंडरलाइन ये नीचे वाली लाइन लगाना चाहते हैं, तो नीचे वाली लाइन को लगाने के लिए आपको HTML में कोडिंग करनी पड़ती है, जो कि अंडरलाइन का कोड ये है, ब्रेकर स्टार ब्रेकर क्लोज, ये क्लोज लगा के ये आप ऐसे बंद कर देंगे, तब आपको ये जो CCC दिख रहा है ये आपको अंडरलाइन में आ जाएगा। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यू टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CVV कोड कितने डिजिट का होता है? तो नंबर एक है 7 डिजिट, फाइव नंबर या बी नंबर है 5 डिजिट और सी नंबर है 3 डिजिट और डी नंबर है 12 डिजिट। तो CVV कोड आपके ATM कार्ड में आपने देखा ही होगा, CVV कोड होता है, नहीं देखा तो अभी ट्राई करिए, थोड़ी देर बाद आप ट्राई करिएगा अपने ATM कार्ड में, तो आपको CVV कोड देखने को मिलेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 डिजिट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में फ्लिपकार्ट क्या है? नंबर एक सोशल नेटवर्किंग साइट, बी नंबर ई कॉमर्स साइट और सी नंबर है वेब पेज, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो फ्लिपकार्ट अमेज़न आपको मालूम ही होगा कि एक प्रकार की क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक केबल का ब्यास किस यूनिट में मापा जाता है? नंबर एक है किलोमीटर, बी नंबर है मिलीमीटर, सी नंबर सेंटीमीटर और डी नंबर है माइक्रांस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्टिकल, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल का ब्यास यूनिट में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, माइक्रांस में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B2B का पूर्ण रूप क्या होता है? ए नंबर है बैंक टू बिजनेस, बी नंबर है बिजनेस टू बैंक, सी नंबर है बिजनेस टू बिजनेस, डी नंबर बैंक टू बैंक। तो B2B या C2C आपको देखने को मिलेगा, C2C या C2B B2C ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, B2B यहाँ पर है, ऐसा भी हो सकता है कि B2C रहेगा, ठीक है, यह हो सकता है C2B, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसका पूर्ण रूप पूछेगा। तो इसका जो पूर्ण रूप होगा वो होगा बिजनेस टू कस्टमर, इसका जो फुल नेम होगा कस्टमर टू बिजनेस हो जाएगा, और जो आपके क्वेश्चन में है इसका हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDS का पूर्ण रूप है? नंबर एक डिजिटल फुल सिक्योर, बी नंबर है फाइल डिजिटल सर्विस, सी नंबर है डिजिटल फाइल सर्विस और डी नंबर है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। तो FDS का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CVV का फुल नेम क्या होता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा क्वेश्चन कि CVV कितने कोड या कितने डिजिट का होता है, वहाँ पर आपने पढ़ा कि 3 डिजिट का होता है। अभी ये क्वेश्चन बन रहा है कि CVV का फुल नेम क्या होता है। तो एक नंबर है कवर वेरिफिकेशन वैल्यू, बी नंबर है कोड वैल्यू वेरिएबल और सी नंबर है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, डी नंबर में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर
एक होस्ट दूसरे होस्ट को किस माध्यम से तलाशता है या सर्च करता है, ठीक है। तो नंबर एक है डोमेन नेम से, बी नंबर है आईपी एड्रेस से, और सी नंबर है वेब पेज से, और डी नंबर है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के माध्यम से सर्च करता है या तलाशता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आईपी का फुल नेम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइड एरिया नेटवर्क दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसको आपको मालूम है वो क्या करता है, पूरी मैंने जानकारी आपको वीडियो में पिछली वाली में दी है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वाइड एरिया नेटवर्क दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, दो या दो से अधिक लोकल एरिया को नेटवर्क जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में ट्रिपल सी रिजल्ट देखने की वेबसाइट कौन सी है। ट्रिपल सी, आप लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं, इसी का एग्जाम देने वाले हैं, तो ट्रिपल सी का जैसे रिजल्ट आपको देखना, भाई आपका एग्जाम हो गया, रिजल्ट अब आ गया है, कैसे देखेंगे, किस वेबसाइट के थ्रू देखेंगे। ये आपको तीन वेबसाइट दिख रही हैं, तो इनमें से कौन सी वेबसाइट सही है जहाँ पे हम रिजल्ट देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही एग्जाम में ना आए लेकिन आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, www.nailed.go.in, ठीक है। या आप गूगल में जब सर्च करेंगे स्टूडेंट नाइलेट तब भी आपको कुछ वेबसाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है ब्लूटूथ की। तो नंबर एक है 500 मीटर, बी नंबर 1 किलोमीटर, सी नंबर 100 मीटर, बी नंबर है, डी नंबर है 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 100 मीटर। देखो ब्लूटूथ की रेंज 100 मीटर होती है, लेकिन अलग अलग अपने अपने कैपेसिटी के लोग प्रोडक्ट या अपने अपने हिसाब से लोग उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बनाते हैं, तो उसकी बात अलग है, उसका रेंज भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो ब्लूटूथ की रेंज होती है वो 100 मीटर होती है एक्चुअल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकी टाकी में कम्युनिकेशन किस तरह होता है। नंबर एक सिंपल, बी नंबर है पैकेट, सी नंबर है हाफ डुप्लेक्स, और डी नंबर है फुल डुप्लेक्स। तो वाकी टाकी में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है कैसा होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे ज़्यादा किस अकाउंट में ब्याज मिलता है। नंबर एक करंट, बी नंबर है सेविंग अकाउंट, और सी नंबर है फिक्स्ड, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, फिक्स्ड अकाउंट में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट या ब्याज मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं। ए नंबर है 5, बी नंबर है 8, सी नंबर है 7, और डी नंबर है 9। तो OSI में आप लोगों को मालूम ही होगा 7 लेयर होती हैं, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। गूगल पे अगर आप जानना चाहते हैं कितने लेयर होती है तो सर्च कर लीजिएगा, 7 लेयर आएंगे और उसमें आपको सातों लेयर के नाम मिल जाएंगे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, और भी जो पूरी 7 प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी। ये क्वेश्चन का मैंने राइट आंसर आप लोगों को बताया भी है कितने होती हैं, पूरा सब डिस्कशन में। आपने नहीं देखा वीडियो तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी स्कूल के परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ए नंबर है वाइड एरिया नेटवर्क, बी नंबर है कैंपस एरिया नेटवर्क, और सी नंबर है ए बी दोनों, और जो डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क दोस्तों, ठीक है। एक स्कूल तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब एक्सेस करने का मेथड नहीं है। नंबर एक CPU, बी नंबर DSL, सी नंबर है मॉडम, और डी नंबर है ISDN। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CPU,
ठीक है, क्योंकि सीपीयू के द्वारा कुछ आप एक्सेस नहीं कर सकते, इंटरनेट की बात हो रही, ठीक है, यहाँ पे इसलिए सीपीयू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मॉडम में टेलीफोन लाइन को प्लग करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो नंबर एक है RJ45, बी नंबर है RJ10, सी नंबर RJ11, डी नंबर है नन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो हो जाएगा RJ11, सी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर RJ11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, नेट एस्केप नेविगेटर है, नंबर एक ईमेल प्रोग्राम, बी नंबर है सर्च इंजन, सी नंबर है वेब ब्राउजर, डी नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेट एस्केप नेविगेटर आपका एक प्रकार का होता है वेब ब्राउजर, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ आपको जैसा कि मैंने बताया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस दोस्तों इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए पूरी तरह से हेल्पफुल हैं। आप मॉर्निंग और इवनिंग के क्लासेज मेरी, यानी कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर आप पूरी तरह से देखते हैं तो आपको आई होप पूरी तरह से हेल्प मिलने वाली है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास क्वेश्चन हैं, जो भी आप मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।